सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस अभी सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि भैया हमारी ये मेरिट लिस्ट कब आएगी और मेरिट लिस्ट आने के बाद ऑप्शन फॉर्म भरने को कितना टाइम मिलेगा। सो नाउ लेट्स सी। सो गाइस अभी हम 2022 की वेबसाइट पे, सो ये एमएसटी सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है आपके लास्ट ईयर की, और लास्ट ईयर का हम डेट्स एंड शेड्यूल देख लेते हैं। सो लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन था वो 21 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक था, और 4 अक्टूबर होने के बाद उनका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी वो 7 अक्टूबर तक आई थी, मतलब 2 दिन का गैप था उसमें। उसके बाद उनका सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस था, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक था, सो उसमें भी 2 दिन का समय था। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आई, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 12 अक्टूबर को आई, मतलब आपका ग्रीवेंस होने के 2 दिन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आई, और उसके फाइनल मेरिट लिस्ट आने के जस्ट 1 दिन के बाद आपका ऑनलाइन सबमिशन कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म शुरू हो गया फॉर कैप राउंड 1। सो गाइस इस साल का एक्सपेक्टेशन क्या है, अभी इस साल का यही एक्सपेक्टेशन है कि अभी 11th जुलाई को आपका सबमिशन खत्म हो जाएगा वेरिफिकेशन के साथ। उसके बाद आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी एक्सपेक्ट करो 13 से लेकर 14 जुलाई के आसपास आ जाए। उसके बाद आपको 2 दिन का समय मिलेगा, 16 या फिर 17 जुलाई तक का समय मिलेगा फॉर सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस। उसके बाद 18 जुलाई को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई से आपका ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म शुरू हो जाएगा फॉर द कैप राउंड 1। और ये कितने दिन तक चलेगा, लास्ट ईयर ये 3 दिन तक चला था, इस साल भी हम यही एक्सपेक्ट करें 3 से 5 दिन तक चलना चाहिए, मतलब आपका 20 जुलाई से शुरू होगा तो 23 से लेकर 24 जुलाई तक आपका ऑप्शन फॉर्म चलना चाहिए, सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। सो यही था, बाकी फिर ऑप्शन फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको अलॉटमेंट कब होता है, अलॉटमेंट तुरंत 2 दिन के बाद होता है आफ्टर द सबमिशन पीरियड गेट्स ओवर। सो मान के चलो अगर 24 को आपका सबमिशन पीरियड ओवर होता है फॉर कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा आपको 26 जुलाई के आसपास आपको कैप राउंड 1 का रिजल्ट आ सकता है। सो ये एक्सपेक्टेड डेट्स है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है प्लस माइनस 1 डेज का, बट यही एक्सपेक्टेड है। जैसे लास्ट ईयर का आप देख सकते हो स्क्रीन पे, लास्ट ईयर के हिसाब से मैंने आपको बताया है, सो आपके पास एक प्रूफ भी है। सो गाइज यही था आज के वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो गाइज एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। सो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो और चैनल एक बार विजिट करके देखो। इस चैनल पे आप सबको एमएचटी सीईटी के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और चैनल का शॉर्ट सेक्शन भी देखना मस्ट है। सो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आप नए हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू गाइज़।